मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को बादब अस्सलाम वालेकुम। आपका खादिम हकीम इत्तफाक हुसैन। कैसे हैं फ्रेंड्स? अल्लाह पाक खुश व खुर्रम रखे, जीते रहें। मेरी हर वीडियो में ही तमाम दोस्तों के लिए दुआएं होती हैं। दुआ फ़कीर रहम अल्लाह। दोस्तों, जहाँ जहाँ हमारे मेमरान बस रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। आपका घराना हमेशा ही हंसता खेलता रहे। जो बीमार हैं, मेरे मालिक उन्हें शिफा अता फ़रमाएँ। और जो बेरोज़गार हैं, मेरे मालिक उन्हें रिस्क अता फ़रमाएँ। और जो बेगुनाह कैद में हैं, मेरे मालिक उन्हें रिहाई अता फ़रमाएँ। और जो हमारे भाई बिस्तर पर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, चाहे हॉस्पिटल में हैं, चाहे अपने घरों में हैं, मेरे मालिक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उन्हें शिफाए कामला अता फ़रमाएँ। जिनके घर नहीं हैं, उन्हें घर अता फरमाएं। और जिन बहन बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मेरे मालिक उनकी भी परेशानियां दूर फरमा दें। आप तमाम मेमरान आमीन कह दें। अल्लाह पाक किसी की भी आमीन सुन सकते हैं। दोस्तों, आपकी खिदमत खलक के लिए चैनल बनाया है हक सच। तो मेरी गुजारिश है तमाम मेमरान से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आप शेयर करें, क्योंकि इसी चैनल पर हमारे पास जो ख़ज़ाना है, हिकमत के हिसाब से, रूहानी हिसाब से, मैं और मेरी तबीबा साहिबा, हमारी वाइफ मिलकर खिदमत खलक कर रहे हैं। आप उनकी सेहत के लिए भी दुआ करें। उन्होंने वादा किया हमसे, हकीम साहब, हम आपके कदम के साथ कदम रखेंगे, आपके कंधे के साथ हमारा कंधा है। इंशाल्लाह जब तक सांस में सांस है, हकीम साहब आपसे वादा है कि हम इस चैनल पर अल्लाह की मखलूकात की ज़रूर खिदमत करेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाते हैं, सबसे नज़दीक प्यारा बंदा मेरा वो है जो मेरी मखलूकात को फ़ायदा पहुँचाए। तो दोस्तों, रूहानी सिलसिले से आप इसी चैनल पर फ़ायदा उठाएंगे। आपको जेली आमिल के पास नहीं जाना होगा। इसी चैनल पर आप यूनानी हर इलाज यहाँ से आप करेंगे। कोई भी मसाइल है तो आपको अताई हुकुमा के हत्ते नहीं चढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए गुजारिश हमने की है, जो हमारे गरीब बहन भाई हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, ताकि लोग इस चैनल से फ़ायदा उठाएं और किसी गलत जगह ना फंसें। दोस्तों, आज ख़वातीन के लिए एक नुस्खा है बेहतरीन, उन ख़वातीन के लिए जिनके एज ज़्यादा आते हैं, महीने में दो दो बार आते हैं, या मकदार उनकी ज़्यादा होती है, या ज़्यादा दिन तक आते हैं। तो ख़वातीन समझती हैं कि जब एज़ में खून ज़्यादा आए या ज़्यादा मकदार में आए तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है, तो वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। सस्ता नुस्खा है, कमाल का नुस्खा है। हमारे पास जो भी सीने का राज है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम यहाँ आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आप घर बैठे अपना, अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ों का इलाज कर सकते हैं। बग़ैर साइड इफ़ेक्ट्स के तमाम नुस्खे हम पेश करेंगे। दोस्तों, नुस्खा नोट फरमा लें, पेन कापी निकालें। संग जेरात भी कहते हैं, संगे जेरात भी कहते हैं, संगे जेरात भी कहते हैं। दूसरा आइटम घेरू, ये हर ख़वातीन जानती, इसे घेरू, ये भी पंसारी से मिलेगा। दोनों ही आइटम पंसारी से मिलेंगे। इन्हें बराबर बराबर वज़न आप ले लें, 50-50 ग्राम। इसे बारीक पीस लें, पाउडर कर लें। और दोस्तों, इसे छोटी चम्मच आप नाश्ते के बाद दे दें, सादे पानी के साथ दे दें, कच्ची लस्सी के साथ दे दें, ठीक है? दही का इस्तेमाल कराएं, थोड़े दिन गर्म एशिया बंद करा दें। और इसी तरीके से शाम 5 बजे आपने ये नुस्खा देना है, इसी तरीके से छोटा चम्मच। तो दोस्तों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द मसला हल हो जाएगा। इंशाल्लाह ख़वातीन पर्देदार हमारी माँ बहनें इंशाल्लाह हमें दुआ करेंगी। और जो मसाइल हैं, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है तो इस पे आप वॉइस कर सकते हैं, अपने मसाइल के बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी मसला है हमसे राबता कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए आगे शेयर करें, ताकि हमारे मेहमान फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़। जीते रहें, दुआओं में याद रखिएगा।